हमारा फैसला क्या इस बारे में, ठीक है? हम हार्ट कोहेरेंस क्यों करेंगे, एक और उसके बारे में आपसे शेयरिंग है छोटा सा। आपके लिए राज खुला है? यस। तो जिसके दिल में मौला रहता हो, उस दिल में अगर गर्दो गुबार आ जाए, उस टिड्डे की तरह के वो अपनी एबिलिटी को भूल जाए, तो उस गर्दो गुबार को हटा सकते हैं। लेटेस्ट साइंस ने वर्ल्ड में एक है, उसका नाम है हार्ट मैथ ऑर्गेनाइजेशन, है बहुत बड़ी, वो इंसान के दिल पे काम कर रही है, हम भी उनके साथ काम कर रहे हैं। उसमें ये बात एस्टेब्लिश की गई थी कि इंसान का जो दिल है वो इंसान के ब्रेन से 1000 times ज्यादा पावरफुल है, 1000 times, ठीक है? आपने देखा होगा, आप में से बहुतों को पता होगा, जब बेबी पैदा होती है, उसके माँ के पेट में जब होते हैं, तो सबसे पहले उसका दिल बनता है, उसका ब्रेन नहीं पैदा होता है। तो बात यह कि दिल को चला कौन रहे, तो उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस मौजूद है कि अभी ब्रेन बना नहीं है और उसका दिल पहले से मौजूद है, 3-4 months में हो जाता है और ब्रेन बाद में बनता है। तो वो दिल पहले एस्टेब्लिश होता है और साइंटिफिकली प्रूव है कि ये मोर देन 1000 times पावरफुल है। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ से सिग्नल्स निकलते हैं और वो सिग्नल जो है वो इस तरीके से निकलते हैं। ये मिनिमम जो है ना 8 feet तक जाते हैं। और आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि वहां पे वो जो ये ECG करते हैं, कार्डियो जो निकालते हैं वो लोग, तो उसमें इसी सिग्नल्स को वो लोग करते हैं। अगर आपका हार्ट उसमें डिस्टरबेंस नहीं हो या डिस्टरबेंस हो, दोनों सूरत में उसमें से सिग्नल्स निकलते हैं जो सामने वाला रिसीव करता है, ठीक है? और वो जो सामने वाला रिसीव करता है, अगर आपके दिल में आपके अंदर डिस्टर्बेंस मौजूद है तो सामने वाला डिस्टर्बेंस रिसीव करता है। ये सब तक है कि ये कहा जाता है कि जो शख्स डिस्टर्ब है उसके मौजूदगी में बच्चों को नहीं होना चाहिए, वो जुर्म कर रहा है। अगर शख्स डिस्टर्ब है, गुस्से में है, बदतमीजी कर रहा है, फजूल बातें कर रहा है, अगर उसके मौजूदगी में 12 साल से कम उम्र के बच्चे मौजूद होंगे तो वो उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है, क्योंकि बच्चे की जो वो ब्रेन जो लर्निंग करता है वो 7 साल से पहले बनता ही नहीं है। हम जो स्कूल में भेजते हैं, मोंटेसरी में भेज देते हैं, किंडरगार्टन में भेज देते हैं, ये इससे बड़ी ज्यादती आप किसी बच्चे से कर नहीं सकते, क्योंकि वो बच्चा उस वक्त सिर्फ कॉपी कर रहा होता है, वो लर्न नहीं कर रहा होता। हम ये बोलते हैं कि हम बच्चों को ABCD सिखाते हैं, और आपके घर कोई मेहमान आता है तो हम बोलते हैं अंकल को ABCD सुनाओ, कलमा सुनाओ। आपको मैं ये बात जो आप रिसर्च कीजिएगा कि ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि 7 साल से पहले बच्चे का वो पार्ट जो लर्न करता है वो डेवलप ही नहीं होता, वो सिर्फ कॉपी करता है, ठीक है? अभी क्योंकि टाइम लिमिटेड है, वरना मैं आपके उसके ऊपर आपको वीडियोस दिखाता कि कैसे कॉपी करता है। लेकिन वो कॉपी करता है, और वो कॉपी किसको करता है? 100% उसे इंग्लिश में मिररिंग कहते हैं, आईने की तरह वो आपको कॉपी करता है। जिस शख्स के पास भी वो मौजूद है वो उसको कॉपी करता है। अगर आप अपने बच्चे को बोलते झूठ नहीं बोलो, वो कभी नहीं लर्न कर सकता 7 साल से पहले, क्योंकि उसके अंदर लर्न करने की एबिलिटी नहीं है, वो कॉपी करने की एबिलिटी है। वो अगर आप झूठ नहीं बोलते वो झूठ नहीं बोलेगा, आप उसे सिखा नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। अगर आप किसी बच्चे को बोलते हैं कि तुम फला काम नहीं करो, पहली बात तो किसी बच्चे को नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलने का मतलब है कि आप उसके ब्रेन में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और वो करेगा कभी ना कभी, बड़ा होकर करेगा, उसके बजाय उसे डाइवर्ट करें, ठीक है? अगेन हम सब बच्चों पे नहीं बात कर रहे कि साइकोलॉजी पे, लेकिन वो मिररिंग करता है। अगर आपके अंदर डिस्टर्बेंस है यहां पे और यहां पे, बच्चा जो है वो उसको कॉपी कर रहा है।
क्या आप चाहेंगे ये जो बच्ची है इसको भेजोगे तो मनाया को मेरे पास, इधर ऊपर आ जाओ, इधर से आ जाओ, चलो उधर से आ जाओ। इसके लिए ताली हो जाए हमारे स्पोर्ट की। ये जो हमारी प्रिंसेस है ना, ये आपने देखा तस्वीर में भी है, ये सामने जो तस्वीरें लगी हैं आपके ब्रोशर में, इनका नाम मनाहिल है और ये जब पैदा हुई थी उस वक्त से हमने इन पे हाथ रखा हुआ है और शी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट और ये बच्ची आगे जाके कहीं ना कहीं पहुंचेगी। लेकिन मेरा सवाल ये कि ये बच्ची या ये बच्चे जो मौजूद है या और जो बच्चे वहां मौजूद है छोटे, ये हमद इनका भाई है छोटा वाला, इनकी मौजूदगी में क्या आप ऐसा कोई अमल करेंगे कि इनको नुकसान पहुंचे, या आपके अपने बच्चे हों या आपकी फैमिली के बच्चे हों, आपकी मौजूदगी उनको नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना? और उसके जिम्मेदार 100% आप होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी इसको आपको नुकसान ना पहुंचाए, आप में से बहुत से लोग टीचर हैं, अपने स्कूल में प्रिंसिपल्स हैं, टीचर हैं, अगर आप कोहेरेंट नहीं है, जो मैं देखता हूं कि वो डिस्टर्ब होते हैं बहुत ज्यादा, घर से झगड़ा करके आते हैं या उनको इमोशनल कुछ होता है या हालात के ऊपर वो गालियां दे रहे होते हैं, और जब वो वहां खड़े होते हैं वो जो बच्चे उस कमरे में मौजूद हैं वो रिसीव कर रहे होते हैं, ये 8 फुट तक जाता है मिनिमम और पूरे दुनिया तक जाता है, तो इसका मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन ये मिनिमम 8 फुट जाता है। जो बच्ची मेरे पास खड़ी है, अगर मैं मेरे अंदर बॉक्स भरा है, मेरे अंदर कीना भरा हुआ है, मेरे अंदर गालियां भरी हुई है, मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, इसको पता नहीं हो ये रिसीव कर रही है, इसका डीएनए जो है ना वो रिसीव कर रहा होता है, डीएनए जो है वो रिसीविंग यूनिट है, दुआ जब आप करते हैं तो जबान से नहीं जाता, आपके डीएनए जो है वो ट्रांसमिट करती है इस फील्ड को, जो कि खुदा ने जब कुन कहा था जो फील्ड वजूद में आया, उस फील्ड को इसका जो डीएनए और मेरा डीएनए जो है ना वो कम्युनिकेट करता है। तो जब डीएनए कम्युनिकेट करता है तो इस वक्त मेरा डीएनए इससे कम्युनिकेट कर रहा है, इस वक्त आपका जो डीएनए इससे कम्युनिकेट कर रहा है, और उस डीएनए में जो भी है डरावा वो इसको रिसीव हो रहा है। तो आपको इतना जिम्मेदार इनफ होना पड़ेगा बच्चों की मौजूदगी में कि आपके अंदर डिस्टर्बेंस ना हो, वरना आप यकीन करें मेरे इस बात को लिख के लेके जाइएगा कि आपकी मौजूदगी उसके लिए ज्यादती है। अपने घर में हो, किसी के जगह पे हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, आपको ना हर वक्त अवेयर रहना पड़ेगा कि मेरे अंदर डिस्टर्बेंस है तो मैं निकाल दूं। कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको बताता हूं, ये क्लियर है? तो इस बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे आप लोग? चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही? आपकी मौजूदगी से इस बच्चे को नुकसान पहुंचेगा? वादा है? आप नाराज? ताली बजाएंगे प्लीज, इसको बिठा देंगे प्लीज। कुछ को रेडी कर लीजिएगा एक मिनट। तो उसके हमने हार्ट मैप पे जब रिसर्च किया तो उसमें इस हद तक किया है कि जमीन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो अर्थ है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 100% ह्यूमन के हार्ट के रेट से मिलता है। अगर आप नॉन डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब नहीं है, तो जमीन उसको रिसीव करती है हमेशा। अगर आप डिस्टर्ब नहीं है तो जमीन रिसीव कर रही है, अगर आप डिस्टर्ब है तो जमीन रिसीव कर रही है। और अगर आप जाके heartmath.com जाके देखिएगा, वहां पे आपको नजर आएगा कि जमीन में मिलियन डॉलर्स के इक्विपमेंट्स लगाए जो इस बात को मेजर कर रहे हैं कि इंसान का हार्ट जो है वो जब वो कोहेरेंट होता है। वर्ल्ड में काफी लोग कर रहे हैं, आप लोग भी रोज 1 बजे करेंगे दोपहर में, वर्ल्ड में जहां भी लोग कर रहे हैं दोपहर को 1 बजे कर रहे हैं और रात के 9 बजे कर रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट। अगर आप रोजाना 1 बजे जो हम करेंगे वो आप 5 मिनट कर लेंगे, और अगर रोजाना रात को 9 बजे एक दफा करेंगे तो वो इतने पावर से जब होगा तो रिसीव हो जाएगा। बहुत से लोगों को वो नहीं कर पाएंगे, बहुत सी चीजें, बहुत सी हरकतें, वो मैं बताता हूँ अभी कैसे। तो फिर वो जमीन जो है वो आपके हार्ट बीट से, आपके जो हार्ट के कोहेरेंस है, उस सिग्नल को रिसीव करता है। आपने कभी नोट किया कि जितने भी जलजले आते हैं, जितने सुनामी आते हैं, जितने साइक्लोन आते हैं, उसका एंड रिजल्ट उस जगह पे होता है जहां पे लोग रहते हैं, कभी खाली जगह पे नहीं होता। कभी आपने सहरा गोभी में नहीं सुना, आपने कभी अमेजोन के जंगलात में नहीं सुना होगा, वहां पे आपने हमेशा सुना होगा जहां ह्यूमंस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इंटरेक्शन से वो बेचैन होता है और बेचैन होकर वो इफेक्ट करता है, ठीक है? तो आप अभी जो जल्द आया, ये जो अभी सैलाब आया, वो हमने चाहा कि वो आए नहीं, लेकिन हमारे अंदर डिस्टर्बेंस है, करोड़ों लोग डिस्टर्बेंस है। जब करोड़ों की डिस्टर्बेंस जब उसकी फ्रीक्वेंसी से मिलेगी तो क्या होगा वहां पे? डिस्टर्बेंस होगी। और यकीन करें कि अगर हमने सही नहीं किया तो इसी कराची में जो जलजला मैं देखता हूं
वो 10 लाख आदमी को उड़ा देगा। तो उससे पहले स्टेप नहीं लेंगे तो बहुत दूर नहीं है, क्योंकि अब वो बुजुर्ग हजरात आपके सर पे नहीं है जो पहले कराची को बचाते थे। उसने उसको कुछ भी नहीं सिखाया, उसने उसको कुछ भी नहीं किया, इस शख्स ने सिर्फ अपना सिग्नल उसको भेजा और वो खुश हो गया। ये आप कर सकते हैं, हमारे पे बहुत से लोगों ने टेस्ट किए। तो शाला कोरियस कुछ खोलेंगे जरा, अब हम इसको जो है ना इसको प्रैक्टिकली करते हैं। आप साथ हैं? Yes. Okay, एक दफा खड़े हो जाए प्लीज। पर्स वर्स सब नीचे रखते हैं, सामान सब नीचे रखते हैं कुर्सी के, अपने आप को फ्री कर लें, अपना जो भी सामान है हटा दें, उसको नीचे रखें। आप चाहते हैं कि अभी हम सिग्नल भेजें और बाहर लोगों को फायदा हो? Yes. इस कमरे में जो लोग हैं उनको फायदा हो? Yes. Okay, तशरीफ रखें। पहला स्टेप वो ये है कि हम अपने सांस को कोहेरेंट करेंगे। पहले हम सांस को जो है रिदम में लाएंगे। ये जो आपके सामने ये चल रहा है, इस बॉल को, इस बॉल, इस फ्लैग को हटा देंगे यहां से। ये जो बॉल जो है ऊपर नीचे हो रहा है, जब नीचे जाएगा तो आप एक्सहेल करेंगे, सांस को छोड़ेंगे, जब ऊपर जाएगा तो सांस को लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूं, इसके साथ अपने आपको मैच कर लें, फिर मैं कराऊंगा खुद आपसे। जब नीचे जाएगा तो सांस छोड़ेंगे, जब ऊपर जाएगा तो सांस लेंगे। नीचे जाएगा तो सांस छोड़ेंगे, ऊपर जाएगा तो सांस लेंगे। ये इसको प्रैक्टिस करें। ऊपर जाएगा तो सांस लेंगे, निकालें, लीजिए सांस, निकालें सांस, लें सांस, निकालें। ऊपर जाते हुए सांस लें, नीचे जाते हुए सांस निकालें। ज्यादा जोर मत लगाएं, आराम से करें, लेकिन रिदम इस पे आ जाए, मतलब नॉन रिदम एक नहीं करें, रिदम में आ जाइए। आपके जिन लोगों के भी हाथ क्रॉस हुए हैं यूं या इस तरह से पकड़े हुए, वो अनक्रॉस कर दें, लेग्स अनक्रॉस कर लें, यानी कि पैर जिसके क्रॉस हुए हैं वो अलग कर दें, जो हाथ अगर क्रॉस हुए हैं तो उसको अलग कर दीजिए, कोई भी चीज जो क्रॉस हुए अलग कर दें, गोद में कोई सामान है उसको हटा दीजिए। ओके, ये एक साइकिल हम और करेंगे, ठीक है, ये दफे खत्म हो जाए तो मैं मेरे साथ फिर कीजिएगा। एक्सहेल, इनहेल, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें स्लोली, सांस छोड़ें, सांस लें। इसको याद करने कितना देर लगता है, ये रिसर्च करने के बाद बनाया गया ये रिदम। सांस छोड़ें, सांस लें, ओके okay, अब स्क्रीन देखे बगैर इसको याद कर लेता, दो तीन बार करें स्क्रीन को देखे बगैर, तो आपको देखें याद हो गया ये रिदम कितने देर में हो रहा है, नहीं हुआ तो स्क्रीन देख लें, लेकिन इसको देखे बगैर करें। ये जो है ना, इसमें से जो भी चीजें सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप में से किसी को भी जो भी चीज हम यहाँ कर रहे हैं सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट एक वीक में हर चीज अवेलेबल होगी, डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी वहां पे होगा, हर चीज जो यहाँ कर रहे हैं सब आपको मिल जाएगा, इसलिए देखने वेखने की जरूरत नहीं है, हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, ओके, अब मैं तो मतवज्जो, आपका दिल किधर है? सेंटर में, ठीक है, दिल जो है वो सेंटर में होता है, हल्का सा टिल्ट होता है लेफ्ट की तरफ, लेकिन हकीकत में वो जो
तो पूरा जो है जो भी यहाँ डॉक्टर्स हैं उनको उनसे पूछ सकते हैं कि बीच में बोल सेंटर में दिल लेफ्ट में निकलते बीच में निकलते सेंटर में निकलता। बहुत से लोग समझते हैं कि उल्टे साइड पे, उल्टे साइड पे नहीं है, उसका एक सिरा टेंट होता है हल्का सा, तो इसलिए लगता है कि उल्टे साइड पे, लेकिन हमेशा सेंटर में होते हैं। तो आप जो है ना अपना हाथ इस जगह पे बीच में जो है, आप में से कोई तुम आओ दिल इधर आ जाओ, यहाँ पे बीच में रखेंगे आप। चलो डेमो उसके डेमोक्रेटिक ये हमारा अब्दुल्ला जो है, इनके लिए प्लीज ताली बजाएं। जब कभी आप कभी जा रहे होते हैं रोड पे किसी शॉप उसके बाहर, और कभी कोई बच्चा आपके सामने आता है और बोलता है कि फला चीज ले लो, तो वो अब्दुल्ला होता है। तो प्लीज ख्याल रखिएगा उसको धुतकारने से पहले, वो ये बच्चा है जो वहां पे खड़ा होता है। ये बच्चा पढ़ने के बाद अपने अपने पढ़ाई को अर्न करने के लिए शाम को जाता है और जाके जो है ना वो पार्क के सामने चीजें वो करता है, बेचता है। तो जरा ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये बच्चा जो है इसने 3 दफा ट्रेनिंग की है अभी, तीन दिन इसको रेडी करें ना सॉफ्टवेयर को। तो ये जो है इन्होंने 3 दफा ट्रेनिंग की, ये जो है ना आपको इसका डेमो देंगे कि वो हार्ट जब करते हैं तो कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग साथ अभी करेंगे। तो पॉइंट ये है कि का दिल कहाँ पे होता है, रखो हाथ यहाँ ऊपर से, टाई के ऊपर से, टाई के ऊपर से ये देख लें। तो इसको फॉलो करें प्लीज सेंटर में, इसको थोड़ा सा कुछ लोगों ने यहाँ रखा, यहाँ नहीं इस जगह पे जहाँ पे नरम जगह होती है ना उसके, और हार्ड जगह जहाँ पे जो वी बना होता है चेस्ट का, उस वी पे एग्जैक्ट वी पे रखिएगा, ठीक है। वहां पे आपका दिल है, अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको हार्ट बीट मिलेगी। ओके, अब वही जो सांस आपने लिया था, आपने अभी फेफड़े से लिया था ना, आप इसी जगह हाथ रखते हुए आप सांस लेते हुए तस्वर करेंगे दिल से ले रहे हैं। तो आप जब तस्वर करेंगे तो यहां पे आपको मूवमेंट आएगी, ठीक है। तो 10 दफा आप सांस लेंगे और आप ये सोचेंगे दिल से सांस ले रहे हैं, फेफड़े से नहीं, ठीक है। रेडी गो, इसी रिदम में जो अभी किया था 10 दफा करें प्लीज। हम इस वक्त रब जहां पे रहता है उसको क्लियर कर रहे हैं, ये सोच के कीजिएगा कि रब जहां पे रहता है उसकी डिस्टर्बेंस, उसके जो गर्द है उसको हटा रहे हैं और उसको क्लियर कर रहे हैं। रेडी है, जो उनके पास बैठ जाओ, वो कराएंगे आपको, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे, कोई भी एक इवेंट ऐसा सोचिए जिसमें आपको खुशी होती हो, कोई भी बात, कोई बच्चा, कोई अपनी अम्मा, कोई किस्सा, कोई भी ऐसे लाइफ में कोई भी बात जिसको सोच के आपको खुशी आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए। कोई भी एक किस्से को जो है ना एक मिनट में देता हूँ, जरा उसको याद करें। कोई भी ऐसा बात, कोई ऐसा शख्स, और उसको जो है अपने जहन में लाइए जिसको लाने से आपको खुशी होती हो, उसको लिखें। रेडी, रेडी करो, हटा दें। ये जो इसमें बलून है ये सिर्फ उस वक्त उड़ेगा जब कोहेरेंट है, अगर कोहेरेंट नहीं होगा, अगर उसके दिल में डिस्टरबेंस होगी तो ये बलून ऊपर नहीं आएगा। ये बच्चे के कान में सेंसर लगा हुआ है और ये सेंसर इस कंप्यूटर को फीड दे रहा है कि ये बच्चा इस वक्त जो है कोहेरेंट है या नहीं है। जब ये कोहेरेंट नहीं होगा, जब इसके अंदर डिस्टरबेंस आएगी ख्यालात में, तो ये बलून जमीन पे बैठ जाएगा, और जब ये बच्चा फुली कोहेरेंट होगा तो ये बलून आगे चलना शुरू कर देगा। और ये आप ये जहन में रखिएगा, इसने सिर्फ 2 बार इस ट्रेनिंग की है इस चीज की, और देखिए इस वक्त ये कोहेरेंट है। और ये जब ये खत्म हो गया अभी 6 बजे, तो आप लोग भी यहाँ पे स्टेशन लग जाएंगे, तो आप लोग में से जो भी चाहे रुक के करना चाहे वो कर सकता है, और नोट कर लीजिएगा। फिर 1 महीने बाद दोबारा हमसे मिलिएगा, फिर हम दोबारा उसको देखेंगे और फिर फॉलो अप करेंगे बाद में, वो फिर हम बाद में देखते कैसे होगा। ये देखें इस वक्त ये कोहेरेंट है, जब आप करेंगे तो आपको अंदाजा होगा बहुत से लोगों का बलून नहीं उठेगा ऊपर, जब आप लोग अभी जब शाम को करेंगे, लेकिन ये जो बलून इसका उठ रहा है ये इसलिए उठ रहा है कि ये इस वक्त खुशी की कैफियत में है और ये इस वक्त सिग्नल्स भेज रहा है और वो सिग्नल्स आप रिसीव कर रहे हैं। आप फील करें कि साइंटिफिकली इस वक्त आप सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, और ये सिग्नल अगर हम सब मिलकर अभी करेंगे तो बाहर रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स डू इट, इस बच्चे के साथ हम करते हैं, करने दें हम इसके साथ करेंगे। हाथ रखें हार्ट पे, हार्ट से ब्रीदिंग करें उसी पेस में जो अभी हमने किया था,
इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, और दिल से करिए, दिल में सांस को लें और करें, आपको हल्का सा ऊपर दिल की जगह ऊपर नीचे होते महसूस होगी। साथ में उस खुशी को फील करें, उस खुशी को फील करें जो आपको आपके लाइफ में कोई भी खुशी की बात, कोई भी उसको, उस बात को तस्वीर में लाइए और लाके उस खुशी को हार्ट में फील करें, दिल में फील करें, एकदम गुदगुदी होने शुरू हो जाएगी आपके दिल में। जो भी सेंसिटिव है उसको गुदगुदी होगी हल्की सी, अगर नहीं भी हुई तो भी वो सिग्नल्स काम कर रहे हैं। और साथ में ये सोचें कि आप अपने सिग्नल्स साथ वाले को दे रहे हैं, इस वक्त आपके दिल से सिग्नल्स निकल रहे हैं, जो आपके साइड में बैठा है उसको मिल रही है उस खुशी की, जो जो भी लहरें फील करें। उसके बाद पीछे और आगे जो लोग बैठे हैं उनको भी मिल रही है, इस कमरे में जो बैठे हैं सबको मिल रही है, फील करें, सबको सिग्नल्स देना शुरू करें, उसके स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएं। इस कमरे के बाहर मिल रही है, जिस जमीन पे आप खड़े हो जमीन को मिल रही है, पूरे शहर कराची को मिल रहा है, हम सबके सिग्नल्स इतना पावरफुल आपने कर दिया कि पूरे शहर कराची को मिल रहा है, इसको भेजते जाए मजीद। पूरे पाकिस्तान को मिल रहा है, जो पंजाब में लोग हैं उनको रिसीव हो रहा है, जो पेशावर में उनको रिसीव हो रहा है, जो बलोचिस्तान में उनको रिसीव हो रहा है, उनको इस वक्त रिसीव हो रहा है, और जो मैंने अभी आपको स्केच दिखाया था उस वक्त वो लोग उनके चेहरे पे बहुत खुशी आ रही है, भले एक सेकंड के लिए आ रही है लेकिन आ रही है। फिर पूरे वर्ल्ड को मिल रहा है, आप में से कुछ लोगों को गुदगुदी फील होगी उसको होने दें और आहिस्ते से आंख खोल दें और हाथ डालें। क्या हम ये प्रोसेस कर सकते हैं? आप में से कितने लोगों को बहुत अच्छा लगा? देख, जिनको नहीं लगा वो देख सकते हैं कि कितने लोग हाथ उठाए रखें प्लीज, और जिन लोगों को अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको उनको देखना जिन्होंने हाथ उठाया, ठीक है रखते हैं। ये इसका बेसिक है, इसके बाद इसके एडवांस एडवांस भी होते हैं, बहुत एडवांस भी होते हैं। जब मैंने ये इस रिसर्च में गया था कई सालों पहले, तो एक जुमला सुना था मैंने कि मोहब्बत के एक्सपर्ट्स मौजूद है दुनिया में। तो मैंने कहा मोहब्बत के एक्सपर्ट क्या होते हैं? तो जब मैंने उस तलाश में निकला तो फिर पता चला कि ये जो मोहब्बत हम करते हैं ये वो मोहब्बत नहीं है जो असल मोहब्बत है। तो उस अभी जो आपने ये छोटा सा काम किया है, ये एक मिनट करें तो बहुत है, और ये एक मिनट एज एन एक्सपर्ट मैं आपको बता रहा हूं कराची के लिए काफी है, ठीक है। अगर हमारे फील करें कि अगर हमारे शहर में 1,00,000 बच्चे एक साथ 1 बजे दोपहर को ये सिग्नल्स भेजें तो कोई पत्थर उठा सकेगा? उठा सकता है? नहीं उठा सकता, यकीन करें नहीं उठा सकता। उस टाइम जिस वक्त आप 1 मिनट भेज रहे हैं, कम से कम उस टाइम नहीं उठा सकता, दैट इज मिनिमम, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपने ये एक एक्सरसाइज 1 मिनट का जो है करना है आपने, ठीक है। इसका जो करने का तो तरीका जो मैंने बताया वो इस बुकलेट में मौजूद है, ये बुकलेट आपको अभी मिल जाएगा तो ये आप करेंगे, ठीक है। और ये बच्चे को देखें, इसके लिए ताली बजाएं, देखें कितना हाई आ रहा है, वेरी गुड, यस कम ऑन, देखो उसकी खुशी देखें आप, उसके बैरूनी हालात खराब है, ठीक है सुनिएगा, उसके बैरूनी हालात खराब है, ठीक है। वो मजदूरी करता है इस उम्र में, छोटा सा बच्चा है, मजदूरी करता है, इसके मुश्किल में रहता है। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे जो गार्बेज से भी इसे उठाते हैं, लेकिन उनका दिल देखें आप। और अभी जब खत्म होगा तो आप जो बड़े हैं आप भी बैठ के करके देखिएगा, आपको अंदाजा होगा कितना आसान नहीं है कि ये जो ये बच्चा है, ठीक है, ये मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। ठीक है अब्दुल्ला बस ठीक है, बहुत शुक्रिया, एक दफा और,
कि अब जो है ना हम ब्रेन कोहेरेंस पे जा रहे हैं कि इंसान का जो दिमाग है वो एंटायरली डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है और इंसान का दिल जो है वो डिफरेंट तरीके से करता है। इंसान के दिल में कौन रहता है? रब रहता है, अल्लाह खुदा रहता है, मोहब्बत रहती है, ठीक है। इंसान के दिमाग में क्या रहता है, यहाँ पे क्या होता है? सोच। ठीक है, बच्चे बता रहे हैं सोच। इनसे मैंने, इनमें से बच्चे से पता नहीं तुमसे पूछा था, किससे पूछा था मैंने, इनसे इनके पास जब मिलने गया था मैंने इनसे पूछा कि ये बताओ कि एक शख्स गाली देता है और एक शख्स जो है ना वो गाली नहीं देता है, तो क्या फर्क है? ये छोटे बच्चे में से जवाब दिया था साबरा थी, साबरा है, हाँ ये ना, इसने या इनमें से किसी ने जवाब दिया था कि जो शख्स गाली देता है, इधर आओ, कि जो शख्स गाली देता है, इसने ये कहा कि जो शख्स गाली देता है वो शख्स है जो सोचता नहीं है, और वो शख्स जो गाली नहीं देता है वो सोचता है। ये इस बच्चे का जवाब है, और दैट इज माय टीचर। तो इतना सिंपल इसने मुझे बता दिया जवाब के ये है। तो बात ये कि सोचना क्या होता है, सोचना क्या है, हम लोग किस सोचना कैसे कहते हैं, और फिकर करना। सोचना जो है ना वो है हमारी शख्सियत, जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो बचपन से लेके आज तक हमें हमारे वालदेन ने, हमारे उस्ताद ने, हमारे जानने वालों ने, सहेलियों ने, दोस्तों ने जो भी बातें हमें बताई, टेलीविजन ने जो बातें बताई, वो हमारे मेमोरी में जमा होती है, ब्रेन में। तो वहां पे उसकी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा होती है। हार्ट की डिस्टर्बेंस डिफरेंट है, ब्रेन की डिस्टर्बेंस डिफरेंट है। अगर ब्रेन में, आपके ब्रेन में खबरें भरी है कि बाहर हंगामे हो रहे हैं, तो आपको हंगामे मिलेंगे। आपके ब्रेन में है कि हंगामे नहीं हो रहे, आप बाहर निकलेंगे आपको हंगामा नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम रिवर्स होते हैं हर इंसान के। अगेन मौजू नहीं है इसलिए मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके ब्रेन में जो चीज जमा है वो है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, और वो शख्सियत ये है जो बचपन से लेकर आज तक आपने अल्फाज सुने और रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, जो अल्फाज रिकॉर्ड हुए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या होते हैं? मोहब्बत, नफरत, गुस्सा, प्राइड, करेज और रिवेंज, ग्रीफ, ये सब है ना। तो ये हमारे उसके अंदर मेन, हमारे अंदर ये जमा होते हैं, और अगर वो हमारे अंदर मौजूद हैं तो क्या हम कोहेरेंट हो सकते हैं, नॉन डिस्टर्ब हो सकते हैं? नहीं। अगर हमारे अंदर ऐसी कोई भी बात मौजूद है तो हम नॉन डिस्टर्ब नहीं हो सकते, और अगर हम नॉन डिस्टर्ब होंगे तो क्या हम खुदा से कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे डीएनए में रिकॉर्ड हो जाता है। तो डीएनए जो रिकॉर्ड जब करता है, आपको पता है कि जब आप एक दफा गुस्से में आते हैं तो आपके बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल हाई हो जाता है। जो कॉर्टिसोल है वो 6 घंटे तक एक्टिव रहता है, और कॉर्टिसोल की जो खासियत है वो ये कि वो 6 घंटे के लिए डीएनए को कॉइल अप कर देता है, बंद कर देता है। जब आप खुश होते हैं, जो अभी आपकी खुशी की है, इस खुशी में क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर डीएचईए लेवल बढ़ जाता है। अगर आपके से कोई भी चीज अपना ब्लड टेस्ट कराए, गुस्से में जाकर टेस्ट कराए तो उसका कॉर्टिसोल लेवल हाई होगा, और अगर वो खुशी में जाकर टेस्ट कराएगा तो उसका डीएचईए लेवल हाई होगा। तो जब वो गुस्से में होता है तो जो पीछे का जो स्पिरिचुअल दुनिया में जो होता है उसमें होता ही है कि जैसे आप गुस्से में आते हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है और आपके डीएनए जो है ना कॉइल अप हो जाते हैं, और डीएनए जो है वो मैसेज बात करता है बाहर की दुनिया से। तो जब वो कॉइल अप हो जाते हैं तो 6 घंटे तक आप कोई भी इबादत करें, नमाज पढ़ें, तस्बीह करें, दुआ करें, नहीं काम करेगा, क्योंकि वो कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा, 6 आवर्स तक नहीं काम करता। आप किसी मस्जिद में बैठ जाएं, मस्जिद में चले जाएं, कुछ भी कर लें, एक दफा आपने 7 चीजें हैं उसमें, सुस्ती है, 6 चीजें उसमें, ग्रीफ है, किसी किस्म का भी शिकायत, सदमा और लोगों से शिकायत करना, उसके बाद फियर है, डर, डर जो है वो हकीकत नहीं है, आपको सिर्फ अल्लाह का भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अल्लाह का भरोसा है तो आपको डर नहीं हो सकता किसी भी चीज में, ठीक है। उसके बाद जो है लस्ट है, लालच, हमारे अंदर लालच होती है मोर की, मेरे पास 20 इंच का टीवी है, मेरे पास 22 इंच का होना चाहिए, मेरे पास टोयोटा है, मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, ये जब पैदा होती है तो हमारे अंदर ये बढ़ जाता है। उसके बाद जो है हमारे अंदर एंगर, गुस्सा, गुस्सा जो है वो जब आपके अंदर आता है तो अगेन आपके अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, बाद में जो आप हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं, आप डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो जो ग्लूकोज ब्लड में शुगर आ रहा है वो कहीं उसको बर्न करने की जगह नहीं मिलती, और यू बिकम सिक। और जो है ना जो हाईएस्ट इसमें है वह प्राइड, गरूर, मैं बस मैं ही हूँ, ठीक है ना। जब हम उसमें जाते हैं तो
मैं आपको बता रहा हूं, इन छह में से कोई भी चीज अगर आपके अंदर है, आप जिस वक्त भी इनमें से कोई भी चीज एक्टिव होगी आपके अंदर, छह घंटे तक आपकी तस्बीह, दुआ, अमल कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। ये प्रूवन है, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल जो है डीएनए को कॉइल अप कर देता है। और इसके रिवर्स, अगर आप खुशी पैदा कर लें अपने अंदर, और खुशी कैसे पैदा होती है, शुक्रगुजारी से। इस दुनिया में इंसान के पास दो ही काम है, ये मैं आपको 30 साल के रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। आपके पास दो ही रास्ते हैं सिर्फ, यकीन कर लें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दो रास्ते हैं, या तो कंप्लेन या शुक्रगुजारी, एक चुन लें। वो जो फिश बाहर निकली थी, उस फिश की तरह आपको एक चीज चुनना होगा, या तो आप कंप्लेन करें अपनी लाइफ में, सिर्फ कंप्लेन करते रहें, खाने पे कंप्लेन, दुकान पे कंप्लेन, बाजार पे कंप्लेन, हुकूमत पे कंप्लेन, टेररिस्ट पे कंप्लेन, हर चीज पे कंप्लेन करें। एक आपका सही रास्ता है, और दूसरा रास्ता है शुक्रगुजारी। जो अवेलेबल है उसकी शुक्रगुजारी करें। हम आज शुक्रगुजारी करेंगे, वो मेरा आपके लिए गिफ्ट है कि शुक्रगुजारी करते कैसे। शुक्रगुजारी शुक्र कहने का नाम नहीं है, शुक्रगुजारी एक स्टेट का नाम, एक कैफियत में रहने का नाम है, कि जो अवेलेबल है उसके उसके लिए इस कैफियत में रहें कि मैं कुछ दे नहीं सकता लेकिन मैं हाजिर हूं। आप अल्लाह को क्या दे सकते हैं? खुदा कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन आप उसको ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं दे सकता लेकिन मैं हाजिर हूं, जो चाहे कर लो। दैट इज शुक्रगुजारी। कैसे करते हैं, वो करेंगे। ये तीनों चीज मिलकर होता है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो कंप्लेन करें या शुक्रगुजारी। अब कंप्लेन कहां एग्जिस्ट करता है? दिल में? नहीं, दिल में कंप्लेन नहीं जा सकती, ब्रेन में। क्योंकि ब्रेन में मेमोरीज हैं, उस मेमोरी के अंदर कोई बोलता है कि तुम अमीर हो, आप किसी गरीब से शादी करने जाएंगे तो आप बोलेंगे मैं तो नहीं कर रहा, ये बच्ची तो गरीब है, मैं तो इससे नहीं मिल सकता, इसका तो स्टेटस ही कोई नहीं है, ये तो वहां रहती है, झोपड़ी में रहती है। तो ये कहां पे आपके ब्रेन में एग्जिस्ट करता है? हकीकत में कहीं है? नहीं है, आपकी कहानी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो आपको बचपन से मिला है। तो दैट कंप्लेन एग्जिस्ट इन योर ब्रेन। तो हम उस ब्रेन को अगर ये शिकायत को निकाल दें सिर्फ, तो मैं इतना लंबा सुरा आपको नहीं कहता कि याद करें कि एंगर है, ये सब कुछ छोड़ दें, सिंपली एक लफ्ज याद कर लें जो मेरी रिसर्च का कंक्लूजन है, कंप्लेन। किसी भी शक्ल में शिकायत हो छोड़ दें अभी। और छोड़ना पता कैसे? ये मत कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, छोड़ दें अब से। ये आपको अभी डिसीजन लेना होगा, अब से छोड़ दें। मैं जिंदगी में कोई शिकायत नहीं है मेरे, सिवाय शुक्रगुजारी के। इज इट डूएबल? यस। इज इट डूएबल? यस। इज इट डूएबल? यस। ओके, तो हम इसको, इस कंप्लेन को खत्म करते हैं। और ये डिसीजन जो है ना, इसको करने का तरीका ये है कि जब रात को सोएं सिर्फ 10 सेकंड लगाएं और फैसला करें कि क्या मैं कंप्लेन लेके सो रहा हूं या सो रही हूं। और जब सुबह उठें तो ये सोच के उठें कि क्या मैं कंप्लेन लेके सारा दिन गुजारूंगा। सिर्फ इस एक चीज पे मॉनिटर रखें, सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ चेंज आएगी, आपके पास ऐसी जगह से पैसे आने शुरू हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। आपको बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहां से पैसे आते हैं आपके पास, तो मैं उसे एक सवाल पूछता हूं, तुमको नहीं पता राजी कौन है? ठीक है ना, तो आप यकीन करें वो जॉब आपको पैसा नहीं दे रहा, वो बिजनेस आपको पैसा नहीं दे रहा, वो तो हमने चूज किया कि वो जॉब वहां से आए तो अल्लाह बोलता वहीं से ले लो, लेकिन वो तो लामहदूद है। आप यकीन करें लामहदूद है। आपको सिर्फ एक चीज हटानी पड़ेगी, शिकायत, क्योंकि ये चीज उसको पसंद नहीं है। आप शिकायत हटा दें, शुक्रगुजारी करें, ऐसी जगह से आपके रास्ते खुल जाएंगे हर चीज के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और इसके अंदर ही सब कुछ है, एंगर हर चीज इसी के अंदर है। सिर्फ आपको एक चीज में नजर रखनी है, शिकायत नहीं करनी, उसको रिप्लेस करना किस चीज से? शुक्रगुजारी से। हम शुक्रगुजारी करेंगे अभी जाने से पहले, ये ठीक है? ये बोनस है। तो ये बच्चे हमें आपको अच्छी लगी, इसको मैं ये और एक तो बच्चे और भी मैं इनको पर्सनली ट्रेन करने का सोचा है, तो आई एम गोइंग टू फिक्स दैट। तो और ये जो हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, ये कहां पे हैं इस बारे में देखते हैं। सलमान एक तुम मुझे एक वो असिस्ट करोगे कि मैं ये दिखाता हूं, तुम उर्दू में जरा बताते चले जाओ, ठीक है?
यहाँ पे जो लिखा है वो ये कि सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, आपके मौजूद होने के, वजूद के होने का एहसास, वो आपने यहाँ पे फील करना है। और ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको एक बहुत डिफरेंट आपके वजूद के होने के एहसास को मुख्तलिफ तरीके से दिखाई दिया। ये जो आप देख रहे हैं कि जमीन, ये हमारा घर है, ये हमारा होम है, और ये अपनी सारी खूबसूरती, अपना सारा हुस्न जो कुदरत ने इसमें पैदा किया है, वो हर लम्हे हमें दिखा रहा है। इसमें जो खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत चीज़ें, फ़ायदेमंद चीज़ें इसमें मौजूद हैं, इसमें क्रिएटेड हैं, वो हर वक्त हमें मिल रहा है, बगैर किसी मांगे, बगैर किसी हमारे इन्फ्लुएंस के। हम कुछ नहीं कर रहे लेकिन हमें सांस मिल रही है, हम कुछ नहीं कर रहे लेकिन वो दरिया बह रहे हैं और वो पहाड़ खड़े हैं और वो दरख्त उग रहे हैं। रात के वक्त अगर आप स्पेस से फोटो खींची गई है, और रात के वक्त अगर आप स्पेस पे देखें तो आपको इस तरह से अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर रोशनियां नजर आएंगी। ये वो रोशनियां हैं जो शहरों में और इंसानों ने बनाई हैं। उसके बाद अब जिस तरह से देख रहे हैं कि सुबह हो रही है, सूरज जो है वो तुलू हो रहा है, तो किस तरह से पूरी रोशनी को सूरज आप दे रहा है। आप ये देखेंगे ह्यूमन से जब क्रिएट किया, इंसान पूरी अपनी ताकत से सारी चीजें लगा देता है तो कितनी रोशनी पैदा कर रहा है, और कुदरत उसके बाद जब रोशनी लेकर आती है तो किस तरह से रोशन हो जाता है, और इस रोशनी का बिल भी हमें नहीं आता। ये देखें पूरी अब यहाँ पे आप ये बात महसूस करें कि हम जिस सोलर सिस्टम में, जिस हमारा जो प्लैनेट, हमारा जो ये सैयारा है जिसे हम जमीन कहते हैं, ये जिस निज़ाम शमसी यानी जिस सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाले दूसरे सैयारों के साथ एग्जिस्ट करता है, उसके साथ इसके को अगर हम रिप्रेजेंट करें साइज के हजूम के हिसाब से, तो उसको आप देखिए अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हजूम बनता है। ये आप देख रहे हैं कि पहला जो एक नीले रंग का अर्थ है, उसके साथ ये दूसरे प्लैनेट हैं, वीनस, मार्स, मर्करी, प्लूटो, और ये जो लास्ट सैयारा है। और आप ये देखें कि इनके साइज को फील करें कि डिफरेंस अर्थ और इन सैयारों में। उसके बाद आप यहाँ पे आप उसको याद रखते हुए अब आप आगे बढ़ें, आप देख लें पूरी जो दुनिया आपकी, जिसमें आप रहते हैं, आपके घर, मोहल्ला, पूरा शहर, दुनिया का मुल्क, कॉन्टिनेंट्स, सब कुछ आप जो है वो आप इसके अंदर, ये देखें आप, ये जमीन है। अब आप इस साइज का अंदाजा करना शुरू करें, इस बात की फीलिंग करें कि आप कि सब कुछ इस बॉल, छोटी सी बॉल जो आपको थोड़ी देर में शायद नजर ना आए, इसमें एग्जिस्ट करती है। और आप उसको कंपेयर करें, ये दूसरे सैयारे हैं, ये जो इसी हमारे निजामे शमसी के दूसरे सैयारे हैं उनके साथ आप मुकाबला करें, तो आप ये महसूस करें ये जुपिटर है सबसे बड़ा सैयारा इस निजामे शमसी का, उसके सामने ये हमारी दुनिया उसका साइज क्या है। अब आप इसी सूरज जो हमारा इसी निजामे शमसी में जो सूरज की तरफ गिर घूमते हैं उससे अगर मुकाबला करें, तो आप ये देखें ये जो पॉइंटर जहां पे आ रहा है, ये नुक्ता जो आपको शायद पीछे से नजर भी ना आ रहा हो, ये वो नुक्ता है जो हमारा इस पूरी दुनिया जिसके ऊपर हमें घुमंड होता है, हमारी सब कुछ जिसकी पावर, दौलत, गोल्ड जिसके हम घुमंड करते हैं, वो उसकी हैसियत इसी निजामे शमसी के साथ अगर कंपेयर करें। ये यहां तक जो आपने बात देखी, क्या ये आपके लिए कोई चीज नई चीज इसमें अवेयरनेस हुई, आपको फीलिंग हुई कि हमारा साइज इस वक्त इस निजामे शमसी में क्या है, इस बात का एहसास हुआ? Yes. अब हम इस निजामे शमसी, इस सूरज के निजाम से बाहर अगर निकलते हैं, तो अब आप देखिए, अब यहां से बाहर निकलते हैं, अब आपने जो सूरज देखा था जो कि इतना बड़ा था, उसके सामने हमारा कुर्रे अर्ज जो था वो बहुत एक बिल्कुल नुक्ते के बराबर था। अब उसी सूरज को अगर आप यहाँ पे देखें, और ये उन सूरजों के साथ मुकाबला किया जा रहा है जो करीब में मौजूद हैं, हमारी इसी गैलेक्सी में दूसरे सूरज जो मौजूद हैं उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि ये सूरज, इस सूरज का साइज दूसरे सूरजों के मुकाबले में क्या है। ठीक है, अभी आपने वो सूरज देखे थे, अभी आप दूसरे बड़े सूरजों की तरफ हम जा रहे हैं, आप ये फील करते जाएं कि अब हमारा सूरज इतना छोटा नुक्ता है कि मुझे इस जगह से खड़े होकर भी नजर नहीं आ रहा है।
अभी महसूस करें जो जो साइज या जो हजम जो कंप्लीट हमारी पूरी निजामे शमसी का महवर है, जिस सूरज से हम जिंदगी हम लोग यहाँ पे लेते हैं, वो सूरज उसी कुदरत के बनाए हुए यूनिवर्स में, कायनात में, दूसरे सूरजों के मुकाबले में एक नुक्ते से भी ज्यादा नहीं है। और आप अगर इसके बीच में जो फासला अगर आप फील करें कि एक लाइट के जर्रे को वहां से उस सूरज से यहां तक पहुंचने में 1000 साल लग जाते हैं, अब मुझे आप यहां पे इस बात का जवाब दें सर कि आप कितने बड़े हैं। आप उस जगह पे उस अभी तक तो आप अपने शीशे में यहां खड़े होकर देखते हैं ना, आप जरा उस जगह से खड़े होकर देखें जहां से कुदरत का बनाने वाला वो देख रहा है। अब आप बुझाएं कि आप कितने बड़े हैं, ठीक है? आपके जो मसाइल हैं वो कहां एग्जिस्ट करते हैं? आपके अंदर। तो आप बताएं आपके मसाइल कितने बड़े हैं। यहां पे आप एक स्पेस शटल भेजे गए थे नासा से, उसने तस्वीर खींची हमारे निजामे शमसी के अंदर से, सैटर्न के करीब से जब गुजर रहा था, तो वो अर्थ वो जो छोटा सा एक वाइट नजर आ रहा है इतना सा है, ठीक है? और इसके बाद एक सेंटेंस और पढ़ेंगे हम, यह हमारा प्लेनेट है इतना सा, हम सब इस छोटे से प्लेनेट के अंदर मौजूद है, इसी के अंदर हमारे ग्लोबल लड़ाइयां और वॉर मौजूद है, इसी के अंदर हमारे प्रॉब्लम मौजूद है, इसी के अंदर हमारी बड़ाई और हमारे छोटा होना मौजूद है, इसी में सारे टेक्नोलॉजी आर्ट मौजूद है, इसी में हमारे सिविलाइजेशन एनिमल प्लांट्स मौजूद है, इसी में सारे रेस रिलीजन मौजूद है, इसी में सारे कौमें हुकूमतें मौजूद हैं, और इसी में जिससे हम मोहब्बत करते हैं जिससे हम हेट करते हैं वो मौजूद हैं। 6 बिलियन के करीब लोग मौजूद हैं जो हर रोज सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं इसी छोटे से नुक्ते के अंदर। और एक लंबी के लिए सोचें, अगर आप ये सोचते हैं कि इस नुक्ते के अंदर आप अकेले हैं और कोई आपके इसकी एग्जिस्टेंस का केयर नहीं करता, तो क्या यह मुमकिन है कि आप इस छोटे से नुक्ते के अंदर जिंदा भी रह सके अगर कोई आपका केयर ना कर रहा? कोई तो है ना जो आपका केयर कर रहा है, है ना? तो फिर इस केयर अगर कोई केयर कर रहा है इस नुक्ते के अंदर भी जिसमें ये सब चीजें मौजूद है, तो इस झगड़ों की, इस वॉर की, इस कंफ्लिक्ट की, उस प्राइड की जरूरत है हमें? नहीं है कि नहीं? तो हम कंप्लेन छोड़े? Yes. अब आप सोचें कि आप कितने बड़े, अगर आपके अंदर कहीं भी बड़ाई मौजूद है कि मैं मौजूद है, तो आप सोचें कि आप कितने बड़े इस कायनात में, इस जंगों में और इन चीजों में। एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं मैं, या कोई गोली मार देता है या कोई बम मारता है, इसकी रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है? अखलाकी मतलब वैसे तो छोड़ दे, वैसे रीजन पता है क्या है? उसे कहते हैं हिडन एजेंडा। हिडन एजेंडा उसे कहते हैं हमारे अंदर, हमारे अपने अंदर एक है ऑनेस्टी, जो हम सच होते हैं लोगों के सामने, एक वो है जो हमने छुपा के रखा होता है, एक चेहरा हुआ जो हम नहीं बताते, उस चेहरे में गाली होती है, उस चेहरे में हसद होता है, उस चेहरे में सामने वाले से छीनने का ख्याल होता है, उसे कहते हैं हिडन एजेंडा, छुपा हुआ आपका मकसद, छुपा हुआ ख्याल। और ये बात साइंटिफिकली प्रूव हुई है कि जो आपके अंदर हिडन होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है बाहर, वो ट्रांसमिट होता है, और कोई और शख्स जो कमजोर हो, कमजोर शख्सियत का मालिक हो, वो उसको रिसीव करता है और जो आप सोच रहे होते हैं वो अमल कर लेता है। तो वो जो आपसे पर्स छीनने आते हैं वो बेसिकली कौन है? वो है या हम खुद हैं? हम खुद हैं। हिडन जो उसे कहते हैं जो आप शेयर नहीं करते किसी से, आप छुपा के रखते हैं अपने अंदर, ये आपका ऑनेस्ट पार्ट है जो आप लोगों के सामने पेश करते हैं, ये वो पार्ट है जो आप छुपा के रखते हैं, ठीक है? ये वो पार्ट है जो आप सबके सामने ना बड़े और कैसे बहन आइए बैठे चाय पी लें,
इसंटे? और दोस्त कैसे हो? और पीछे बोलते इसके ऐसे की तैसे, फिर आ गई मुझे तंग करने आ गई, मैं तो काम कर रही थी, राइट? तो दैट इज, ये तो आपका सामने का चेहरा है, ये वो जो पीछे का है, और ये जो है ना हिडन एजेंडा ट्रांसमिट होता है। और यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे कोई ना कोई शख्स जो कमजोर होता है वो रिसीव करता, जरूरी नहीं आप पे करे, किसी ना किसी पे करता है, आपके ब्रेन से सिग्नल निकलते हैं वो रिसीव करता है। ये तो बात समझ में आ रही है? तो अगर कहीं भी कुछ हो रहा है उसमें इतना सा पार्ट तो हमारा है ना, इतना सा तो है। अगर कहीं भी बम फटा, एक गोली चली, अगर हमारे अंदर ये मौजूद है कंप्लेन या कोई सीक्रेट ऐसा ऐसी बात जो शिकायतें मौजूद है, तो उस बम का या उस गोली का एक पार्ट तो हमने किया ना, करोड़ ऐसा तो किया ना। अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन भेज दें अल्लाह को कि चलो हमने आज से ये छोड़ दिया, अभी हमारे पास दो नहीं एक है, अगर हम ये एक कर लेंगे तो हमारी कंट्रीब्यूशन अल्लाह के सामने क्या है? हमारी कंट्रीब्यूशन ये है कि हम एक चेहरा भेज रहे हैं, हम ये सिग्नल कम से कम नहीं भेज रहे बाहर, इतना हम प्रॉमिस कर सकते हैं, मतलब इस सिग्नल भेजना छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं? वादा नहीं, आपके अंदर डिक्लेरेशन की पावर जिन्हें बहुत कमजोर है, ठीक है? अगर आप ये छोड़ सकते हैं तो ये इस तरह काम करता है। ये आदमी कहता है तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, मैं तुम्हें इस पत्थर से मारूंगा, ये इसको कह रहा है। वो आदमी कह रहा है ओ मैं कुछ करूं, ज्यादा परेशान हो रहा है वो जो आदमी बैठा हुआ है खड़ा हुआ है, और ये पत्थर इसको मारने लगा। उसने कहा मेरे पास एक आइडिया है, मैं ब्रेन कोहेरेंस करता हूं, ठीक है, ये हिडन एजेंडे का ऑपोजिट है। उसने कहा मैं ब्रेन कोहेरेंस करता हूं, तो ये इसको कह रहा है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और ये यहां पे कह रहा है प्लीज को बचाए, और वो वहां से लव और पीस भेज रहा है। देख रहे अपने अपने ब्रेन से लव और पीस को सिग्नल कर रहा है, और ये आदमी रिसीव कर रहा है, और इसका पत्थर गिर गया। ये कह रहा है मुझे क्या हो रहा है, मेरे अंदर लव क्यों आ रहा है, और उसके हाथ से वो पत्थर गिर जाता है, और वो बिना कुछ किए दोस्ती हो जाती है। देखिए आप जो है ना, ह्यूमन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट है, आपके अंदर जो टच करते हैं तो कैसे फील होता है, इलेक्ट्रॉनिक है ना, जिसको टच करने से फील होता है, और आपका ब्रेन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट है। जब आप पत्थर उठाते हैं तो होता क्या है, ब्रेन से एक मैसेज जाता है हाथ को, और हाथ को बोलता है यूं पकड़ो उठाओ और गाड़ी पे मारो, ठीक है? आपने देखा है सिग्नल जैमर होते हैं, जैसे आप किसी एम्बेसी में जाएं तो मोबाइल फोन काम नहीं करता, वहां पे उनके पास इक्विपमेंट है। अब दो तरीके हैं, जब आप लोग अंदर आए थे तो आपको एक एक को बोला गया था कि अपने मोबाइल फोन बंद कर दें, बोला गया था ना, एक तो ये तरीका है, एक ये कि मेरे पास एक सिग्नल जैमर हो और मैं यहाँ लगा दूं, आपके सिग्नल ऑटोमेटिक बंद हो गए, आपके फोन नहीं चलेंगे, मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो हम इस वाले अमल पे काम कर रहे हैं, हम किसी को जाके बता नहीं रहे कि आपने मोबाइल फोन बंद करो, हम क्या कर रहे हैं, जो आप लोग करेंगे वो ये कि आप वो सिग्नल जैम कर देंगे। सिग्नल जैम क्या करेंगे कि उसको इतनी मोहब्बत भेजेंगे कि वो पत्थर फेंकने पे मजबूर हो जाए। क्यों? क्योंकि जो उसका, आपने देखो ना बहुत दफा खड़े हुए आपको फील होता है कि कोई देख रहा है मुझे पीछे से, वो कैसे फील होता है आपको? या आपको फील होता है किसी ने फोन करने वाला है, आप उसको फोन करते कि अभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, होता है ना? वो इसलिए होता है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं हमेशा, एक मिनट में मोर देन 100,000 टाइम करते हैं, 1,00,000 दफा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम अवेयर नहीं, इसलिए पता नहीं चलता। तो आप अपने किसी भी जानने वाले से रूहानी लेवल पे 1,00,000 दफा मिलते हैं एक मिनट में, इतनी तेज मूवमेंट है, बिजली के लेवल पे होता है तो इसलिए बहुत तेज होती है। बहरा पॉइंट ये है कि वो सिग्नल्स आपके अंदर से निकलते हैं, और वो सिग्नल के अंदर अगर आपके हिडन एजेंडा मौजूद है तो वो सामने रिसीव करेगा, उसके ब्रेन के अंदर जाएगा, वहां पे अगर कोई उल्टी सीधी बातें मौजूद है तो पत्थर उठाएगा और मारेगा आपको, और रोड पे रोड बंद हो जाएंगे, ये गोली मारेगा जब आप मारेगा, राइट? इसका ऑपोजिट ये है कि अगर आप उस जगह पे अपने ब्रेन के अंदर से शिकायत निकाल दें, तो जैसे आप शिकायत निकालेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर सिर्फ लव रहेगा, जब लव रह जाएगा तो वो सिग्नल जब उसको मिलेगा तो पत्थर उठा सकेगा नहीं। और इसके भी हमारे पास इक्विपमेंट है, अभी टाइम सर में थोड़ा शॉर्ट हो रहा है इसलिए मैंने आपको बता रहा, उसमें यह है कि आप वो ब्रेन को कर सकते हैं और वो बता देता है कि इस वक्त आपके अंदर कितना है। मेरे पास ऐसा इक्विपमेंट भी है कि आप नमाज पढ़ने खड़े होंगे, मैं आपको लगाऊंगा, वो बता देगा कि आप इस वक्त नमाज वाकई पढ़ रहे हैं या आप बिल के बारे में सोच रहे हैं। आई हैव दोज थिंग्स आल्सो विद मी। बट पॉइंट ये है कि आपका ये जो है ना, हमें तो आपको फ्रॉड नहीं कर सकते, आप कहेंगे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ओके दिखाओ सामने, मतलब वो सामने कर सकता है, बोलता है मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, और अगर सो करता हूँ वो इक्विपमेंट लगाएंगे, वो बता देगा मशीन कि ये आदमी जो है ना इस वक्त यहाँ से काम कर रहा है, अंदर से नहीं काम कर रहा है। तो ये सब हो चुका है वर्ल्ड में। और
वर्ल्ड में जो कामयाबी हुई है बहुत से जो वर्ल्ड के दूसरे सुपर पावर जिसे आप कहते हैं बजाय उसके सिर्फ जो असल रीजन है वो ये है कि उन्होंने इन चीजों पे ज्यादा काम किया। बजाहिर वो नहीं बताते लेकिन उन्होंने इन चीजों पे ज्यादा काम किया और हमें ये 1400 साल पहले गिफ्ट में मिला था और हमने उस गिफ्ट को उठा के फेंक दिया। हमको सबको ये गिफ्ट मिला हुआ है, हमें एक ही बात बताई गई थी कि ये चीजें छोड़ दो, नहीं 1400 साल पहले ये तो सिखाया था कि छोड़ दो ये। तो अब उसको क्योंकि हमने उस टिड्डे की तरह हमको समझ में अब नहीं आ रहा कि कैसे छोड़ दो, तो उसका शॉर्टेस्ट तरीका यही है कि सिर्फ कंप्लेन को छोड़ दो हो जाएगा, दैट्स ऑल। ये कहता ब्लेसिंग है आप सबको कि अब जैसे छोड़ेंगे हो जाएगा। पॉइंट ये है कि हम इस ब्रेन के अंदर से जैसे ही शिकायत निकाल देंगे तो ये जो सिग्नल भेजेगा उससे लव आता है और वो सिग्नल्स 2000 आदमी जो ईमानदारी से करें तो 10 करोड़ को के लिए काफी है। ये साइंटिफिक रिसर्च पे साबित हो चुका है। इस वक्त हॉलैंड में फिनलैंड है, स्वीडन है, वहां पे ऑफिशियली गवर्नमेंट ने बिठाए हुए ऐसे लोग जो ये काम करते हैं। 2000 हर आदमी 2000 नहीं, 2000 ऐसे आदमी जो ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर 2000 आदमी इस पाकिस्तान में बैठ जाएं और जो है ना सुबह 5 मिनट शाम को 5 मिनट करें, सिर्फ सिग्नल भेजें, तो इस पाकिस्तान में बम नहीं पड़ सकता, नेवर, इम्पॉसिबल है। लेकिन वो 2000 आदमी वो होंगे जिनका चेहरा एक होगा और दैट इज वेरी इजी, कंप्लेन छोड़ने हो जाएगा वेरी इजी, शुक्रगुजारी पकड़ लेंगे हो जाएगा। जब ये आपकी वो जगह जहां पे रिश्ते होते हैं हायर कॉर्टेक्स ब्रेन का, जब आपको गुस्सा आता है या आप प्राइड में आते हैं या आप ऐसे किसी भी इमोशन में आते हैं तो आपका ये पार्ट बंद हो जाता है। जैसे वो देखें ऊपर जाते हैं और ये आपका बंद हो गया। अब आपका जहां सिर्फ वो ब्रेन काम करता है जो सर्वाइवर करता है, उसको सिर्फ जिंदा रहना होता है, उसको ये बात की परवाह नहीं होती कि सामने मेरी तरह कोई इंसान है। तो इससे बचने का जो तरीका है कि ये बंद ना हो, शिकायत निकाल दें। ये शिकायतें इमोशनल अराउजल, यानी वो शिकायतें जिससे आपको ये पार्ट बंद हो जाता है और सामने वाले की आप बेइज्जती कर देते हैं, उसके साथ आप दिल दुखा देते हैं, उसके साथ फालतू बात करते हैं, बच्चों से, शौहर से, पेरेंट्स से, सब सब ही कर जाते हैं। तो अगर आप एक चीज निकाल दें शिकायत, तो आपका ये पार्ट जो है ना ये ऑन रहेगा। एक रिसर्च हुई थी कि इंसान जो है वो आतंकवाद कैसे बन जाता है, तो ये नेशनल ज्योग्राफी ने रिसर्च किया था, उसमें इन्होंने ये देखा था कि शिप में एक शिप कहीं पे लॉस्ट हो गया और अफगानिस्तान में भी हुआ था कि लोगों को जो है ना इन्होंने कंटेनर में बंद कर दिए थे, वो जो तो समंदर के पोर्ट में जो कंटेनर होते हैं उसमें बंद कर दिए थे, 70-70 आदमी एक साथ, और धूप में छोड़ दिया, एक्सट्रीम गर्मी में वो एक दूसरे को काट के खा गए और जो है ना शिप के अंदर ऐसा हुआ। तो पॉइंट कैसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो उस रिसर्च का एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत लंबा है अभी टाइम नहीं है, उसमें उन्होंने ये देखा था कि जब भूख बढ़ती है तो पहले जो वो क्या करता है, बॉडी के वो पार्ट जिसकी जरूरत नहीं है वो बंद कर देता है, यानी जैसे पैर की जरूरत नहीं है तो वो पैर को शट डाउन कर देगा, हाथ की जरूरत नहीं है तो हाथ को शट डाउन करेगा, कम से कम करना शुरू कर देगा। फिर वो जो वो बॉडी के वो पार्ट जैसे किडनी है उसकी इतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि पानी पी नहीं रहा तो पेशाब की जरूरत नहीं है तो उसको बंद करेगा। इस सब चीजों को बंद करते 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 वो आएगा ब्रेन में, ब्रेन में जब आएगा तो ये हायर कॉर्टेक्स जहां पे रिश्ते और इखलाक और ये सब बातें होती हैं, ये वाला पार्ट वो इसको बंद कर देता है। जब इसको बंद करता है तो उसके अंदर जो बचता है वो रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं, वो ब्रेन है जिसमें इंसान के अंदर जिंदा रहने की प्रोग्रामिंग मौजूद है कि कैसे जिंदा रहो। उसमें जो है ना फिर वो क्योंकि रिश्ता रही नहीं तो अपने साथी वाले को मारकर उसे गोश्त खा लेते हैं। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, इस तरीके से वो आतंकवाद बनता है, इसी वजह से वो टेररिस्ट बनता है और इसी वजह से वो ये बनता है, यानी कि हाँ बाहर जाके करता है। तो अगर ये पार्ट ही ना बंद हो, ये पार्ट ना बंद हो तो वो कर नहीं सकता। और इस पार्ट को बंद नहीं होने के लिए जो आपके पास तरीका है वो ये कि ये ना होने पाए, और ये होने के एक ही रीजन है वो शिकायत। इसको अगर आप रिप्लेस करते हैं शुक्रगुजारी से तो ये जो है ना नहीं होगा। तो आपका ये पार्ट जब ऑन रहेगा तो आप रियल में मशहूर है ना, आदमी को मयसर नहीं इंसान होना, वो इंसान जो है वो है जिसका ये पार्ट ऑन होता है, जिसका ये पार्ट ऑन नहीं होता वो सिर्फ एक आदम है और कुछ नहीं है। ये ठीक है, थोड़ा सा जो है ना आंखें बंद कीजिएगा और
जो हम एक्सरसाइज करने लगे हैं उसके लिए मैं अगेन आपदा परवीन की हेल्प ले रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में करना ये है कि आप हम करेंगे साथ में सुनने के बाद कि आप जब बैठे होंगे तो आपको ये सोचना है कि आसमान से एक हल्की सी आवाज आ रही है आपको आपके ब्रेन में, और वो आवाज कोई बहुत समझे कि अगर कोई किसी चांद पे बैठा हुआ है और आपको आवाज दे रहा हो हल्के से और वो कह रहा हो पीस, तो कितना हल्के से सुनाई देगा आपको, आपको वो सुनना है। ठीक है, डूएबल? तो एक दफा खड़े होंगे मेरे लिए प्लीज। ओके, आप बैठी रहे, आप बैठी। हाँ ओके, एक दफा बोले यस। ओके, बोले यस वी कैन डू इट, यस वी कैन डू इट, लोग अमन ला सकते हैं ना, थोड़ा बहुत तो ला सकते हैं ना। एक स्टेप ओके, एनर्जी से कहना है, से मुंह से नहीं कहना, पूरी बॉडी को पूरी उसको यूज करना है एनर्जी को। ये बच्चे अभी यहां पे लीड कर रहे हैं, प्लीज यहां पे रिलैक्स हो जाइए, रिलीज करते हैं अपने सारे ट्राइंग टू लुक गुड अवॉइड लुकिंग बैड की प्रोग्रामिंग। बिल्कुल बच्चे बन जाए छोटे से जैसे आप बचपन में थे, ठीक है, और उसके बाद ये बोलेंगे अपनी फुल 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 उसके साथ। ठीक है, रेडी, एनर्जी बिल्ड करें, कम ऑन, एनर्जी में आए, कम ऑन, रेडी, ओके स्टार्ट। Yes, we can do it! Yes, we can do it! Yes, we can do it! ओके, अब जो है ना बैठ के इसको सुने, और ये इसमें जब सुन रहे हो तो उस पर सोचेगा कि हल्के से पीस की आवाज वो स्पेस से आपको आ रही है, बहुत हल्के से। ठीक है, तो आपदा परवीन के ये सुनिएगा, इसमें उसके रिदम के साथ जाइएगा, और उसने ये बात बोली है कि तू ही जो है ना मेरे लिए हर चीज है। तो आप इसको पाकिस्तान से रिप्लेस कर दें कि पाकिस्तान ही हमारे लिए हर चीज है। ठीक है, जब ये उस जब जो भी उसके अल्फाज है उसको पाकिस्तान से फिट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आ जाएगी जो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, आप रिलैक्स हो जाएं, स्क्रीन की तरफ मत देखें और अपने अंदर झांकें। बहुत हल्के से पीस की आवाज आ रही है, आप उसे रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि कायनात का जो डिफॉल्ट है, कायनात का जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो नॉन वायलेंस है। आप उसको रिसीव करें जो कि कायनात में है। बहुत हल्के से ब्रेन में पीस की आवाज आ रही है, रिसीव करते जाएं, करते जाएं, बिल्कुल छोड़ दें, कोई सोच मत आने दें, सिर्फ और सिर्फ इसको आने दें ब्रेन में। रिप्लेस करें और फील करें कि जैसे जैसे ये आ रहे हैं आपके अंदर से कंप्लेन बाहर निकल रही है, आपके ब्रेन में पीस आ रहे हैं और सिर्फ और कंप्लेन बाहर खत्म हो रही है। आहिस्ते आहिस्ते इस कंप्लेन को जाने दें और जाने दें और जाने दीजिए। साथ में फील करें हार्ट में खुशी, हार्ट में हाथ रखें और उस खुशी की फीलिंग को ले जाएं तोते पहले लाए थे, और उस गुदगुदी को हार्ट में फील करें और ब्रेन में सुने पीस की आवाज आ रही है, आने दें। और थोड़ा सा और आने दें, और इस कमरे से बाहर इस सिग्नल को जाने दें, आपके अंदर से निकल रही है ब्रेन से और हार्ट से पीस की, निकलने दें, कराची में जाने दीजिए, पाकिस्तान में जाने दीजिए, वर्ल्ड में जाने दीजिए, जो भी मखलूक है, इंसान नहीं इंसान, जिन्नात जानवर, सबको रिसीव करने दें इस खुशी को और फीलिंग, अमन की फीलिंग को। 15 सेकंड और जाने दें। आहिस्ते से गहरी सांस लें और आंख खोलें। ये दोनों चीज मिला के आपने 2 मिनट करना है। ठीक है, 2 मिनट आपका हो गया, दोपहर को 1 बजे, शाम को 9 बजे। ठीक है, हम तीसरी चीज की तरफ जा रहे हैं। आपके जो सोच है, थॉट, उससे जो सिग्नल निकलते हैं उसकी पावर कितनी है, और
आपके जो मुंह से बोलते अल्फाज उसकी पावर कितनी है उसके बारे में बहुत शॉर्ट सा है, हम करेंगे साथ में और जो है ना उसको करके देखते हैं। ये देखिए कि जो आप सोचते हैं और जो आपके दिल में होता है वो दोनों मिलता है, ये खुदा की खुदाई का है, खुदा की खुदाई है, वो उसको रिसीव करता है और आपके हालात वैसे हो जाते हैं। आपके जो भी हालात हैं, आपके आसपास जो भी आप देखते हैं अपने घर में, अपने घर के बाहर मोहल्ले में कंट्री में, वो यहां का नतीजा है। अगर आपके यहां पे गड़बड़ है, आपके यहां पे गड़बड़ है, ये दोनों मिलके खुदा की खुदाई के उसमें भेजते हैं जो मैकेनिज्म है उन कहने के बाद।